मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी नीरज कुमार। कल मैंने एक वीडियो दिया था, वो रिगार्डिंग हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, होपफुली आपने समझ रखा होगा। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चे बैटरी के लिए, बैटरी क्या होता है, बैटरी को समझेंगे। और बैटरी को समझने के बाद ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की बातचीत करेंगे। ओके, ठीक है। सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है, ये शायद 10th C का क्लास है जिसमें हमने डिस्कस कर रखा है क्या चार्ज डिस्कस कर रखा है, करंट डिस्कस कर रखा है, किसी बॉडी को चार्ज बॉडी कैसे बनाते हैं वो डिस्कस कर रखा है, ओम्स लॉ डिस्कस कर रखा है। ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हम लोग जान रखे हैं, उसको और भी अच्छे से समझना है जो कि आगे के टॉपिक में करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिस्कस कर रखे हैं। और आज हम थोड़ा सा पहले बैटरी से स्टार्ट करेंगे। ओके, बैटरी पढ़ा देते हैं आप लोगों को, उसके बाद हम रेजिस्टेंस और उसके बाद आगे के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। सो बैटरी से पहले हम बात करेंगे सेल। सेल, ओके, सेल क्या होता है, हम लोग सब हर कोई यूज करते हैं, हम लोग हर कोई जानता है। हमारे सेलफोन में क्या होता है, सेल जो एनर्जी का सोर्स होता है वो क्या होता है, उसका बैटरी होता है। और टॉय में बैटरी होता है, ड्रोन में बैटरी होता है, आजकल तो बैटरी से गाड़ियां भी चलती है, सारा कुछ भी मशीन जो है बैटरी से ही चलेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ओके, सो हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। सेल सबसे पहले बात करेंगे सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में याद रखेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे कि मान लो ये है हमारा रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर है। इस आर को जो है रेजिस्टेंस को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखेंगे रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन है ये, और आगे हम बात करेंगे। सो इस आर को हम लोग लोड भी बोल सकते हैं। लोड कहने का मतलब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने वाला कोई भी चीज है उसको आप रेजिस्टेंस समझ सकते हो, उसको लोड समझ सकते हो। लोड करने का मतलब जो कुछ भी डिवाइस जैसे कि टीवी, फ्रिज, ट्यूबलाइट या फैन, कुछ भी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है उसको हम एज रजिस्टर कंसीडर कर सकते हैं, उसको हम लोड कंसीडर कर सकते हो। ओके, तो रजिस्टर का एक जब भी आप देखोगे तो आप समझना कि कोई डिवाइस है, कोई एलिमेंट है सर्किट का जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको चाहिए और उस एनर्जी को लेके वो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। चाहे हीटर है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक मोटर है तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, फैन है तो हमें कंफर्ट देगा, ट्यूबलाइट है तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे रेजिस्टेंस की जब भी बात करेंगे आगे के लिए। बहुत सारे बच्चे को इतने में नहीं बताया जाता है ये जो टर्म लोड होता है, इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते हैं, आगे जाके समझ में आता है अच्छा ये रेजिस्टेंस ही होता है। ओके, सो रेजिस्टेंस कहने का मतलब आप समझेंगे, सिर्फ रेजिस्टेंस मतलब कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी नहीं होता है। प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या होता है, लोड जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है और उसको दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, सो एक सिंपल सा सर्किट बनाते हैं जिसमें कोई लोड होता है और उसमें हम ये जो है एक स्विच बना देते हैं, स्विच मतलब कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए, और ये जो है एक सेल होता है, ये है लोड रेजिस्टर, ये है स्विच और ये है सेल। ओके, सो यहाँ तक आप अच्छे से समझ सकते हो। कोई भी मान लो कि ये टेबल लैंप ही है, उसमें अगर बैटरी से कनेक्ट कर देंगे उसके टेबल लैंप के दोनों टर्मिनल को, बैटरी के दोनों टर्मिनल से, और सर्किट को स्विच को जब क्लोज करेंगे, स्विच क्लोज करने का मतलब कनेक्शन का बिल्डअप होना, मतलब कि इसको
क्लोज कर देंगे। हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने का मतलब स्विच को क्लोज करना होता है, सर्किट को क्लोज करना। ओके, स्विच ऑन करने का मतलब सर्किट को क्लोज करना। तो सर्किट जब ये क्लोज हो जाएगा ना तो फिर करंट का फ्लो होने लगेगा, और ये मान लो लैंप है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके हमको प्रोवाइड कराएगा। समझ गए? सो अगर इसको स्विच को ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, लैंप जलेगा। सिंपल सा है, आप हम सभी जानते हैं किस तरह से लैंप जलता है, तो ये याद रखेंगे ये सेल। अब ये क्या है, लैंप जल रहा है, लैंप जो है लाइट एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है। तो लैंप तो खुद ब खुद जो है लाइट एनर्जी नहीं दे सकता, वो भी तो कहीं से कुछ एनर्जी लेगा और फिर उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो वो कहाँ से एनर्जी लेगा, तो वो लेगा यहाँ से सेल से। तो सेल क्या किस फॉर्म में एनर्जी देता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी देता है। क्या, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी देता है। तो सेल से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। आप जानते हो करंट को फ्लो करने का मतलब क्या होता है, करंट के फ्लो करने का मतलब क्या होता है, चार्ज का मूवमेंट, चार्ज का मोशन। ओके, करंट का फ्लो करने का मतलब होता है चार्ज का मोशन में आना। अब चार्ज तो स्थिर था, मोशन में कैसे आएगा, तो उसको पुश करेगा, ये सेल जो है चार्ज को पुश करेगा कि हाँ भाई तुम घूम के आओ। ओके, आप ऐसा भी समझ सकते हो, चार्ज ऐसे ही अपनी मतलब कि प्लेस को नहीं छोड़ेगा, उसके पास एनर्जी मिलेगा तो वो इस एनर्जी को लेकर इधर जाएगा, और यहाँ पर जब आएगा तो ये क्या होगा, चार्ज की एनर्जी को ये कंज्यूम कर लेगा, चार्ज की एनर्जी को थोड़ा सा छीन लेगा, कहेगा भाई जब तुम हमसे जा रहे हो तो हमको कुछ एनर्जी दे के जाओ। तो मतलब कि चार्ज का जो है एनर्जी, ये लोड जो भी है, ट्यूबलाइट है, फैन है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, उस वो क्या करेगा, लोड चार्ज के एनर्जी को ले लेगा, कंज्यूम कर लेगा। अब चार्ज के पास बहुत कम एनर्जी बचा, ओके, वो भिखारी बन गया। तो यहाँ पर से ये फिर लौट के आएगा ये सेल के पास, कहेगा भाई मेरा तो सारा एनर्जी चार्ज लोड ने लूट लिया भाई। ओके, जैसे टोल टैक्स लगता है तो यहाँ पे टोल टैक्स लगेगा एनर्जी का। सो ये कहेगा कि भाई हमारा तो सारा एनर्जी इसने लूट लिया है, तो अब हमें फिर से एनर्जी दो। कहेगा ठीक है भाई, अब आया है तो ले लो तुम। तो ये फिर से ये सेल क्या करेगा, चार्ज को एनर्जाइज करेगा। तो चार्ज के पास जैसे ही एनर्जी आता है तो वो अमीर बन जाता है, एकदम उसके स्टाइल बदल जाते हैं। ओके, सो ये एकदम से पूरा एनर्जेटिक होके एकदम से फिर से जाएगा घूमने, और फिर से यहाँ से घूमते 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 यहाँ पहुँचेगा, फिर से इसकी एनर्जी को क्या करेगा, रजिस्टर कंज्यूम कर लेगा, फिर से कंज्यूम कर लिया, फिर से चार्ज भिखारी होगा, फिर से आ गया यहाँ पे, फिर कहा सेल से फिर के भाई दे दो थोड़ा सा एनर्जी, फिर खत्म हो गया। फिर सेल इसको कहेगा दया देकर थोड़ा सा एनर्जी देगा, फिर ये चार्ज जो है इस तरह से यहाँ पे जाएगा। इस तरह से मतलब क्या होता है कि सेल जो है चार्ज को एनर्जी देते रहता है, और वो चार्ज जो है रजिस्टर को अपना एनर्जी जाके देता है। ये बात इतनी अच्छे से आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, जितनी आसानी से मैं यहाँ पे बता रखा हूँ, कि इस टर्म में आपको नहीं मिलेगा। तो ये याद रखेंगे, आपके बुक में तो 10th में तो बिल्कुल किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं बता दिया ये 12th का कंसेप्ट होता है, इसलिए इसको यहीं पे समझ लेंगे। तो सेल क्या करता है, सेल करंट फ्लो तो करवाता ही है, लेकिन किस तरह से करंट फ्लो करवाता है, चार्ज को एनर्जी देकर, चार्ज को एनर्जाइज करके। ओके, तो सेल क्या होता है, डिवाइस विच एनर्जाइजेस चार्ज इन सर्किट, या फिर दूसरे वर्ड में, सिंपल वर्ड में जो आपके 10th के स्टैंडर्ड के लेवल पे क्या लिखा होता है, सेल क्या होता है, आप सर्किट एलिमेंट विच मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट, यही इतना एक सेंटेंस लिखा होगा। तो होपफुली आप समझ गए कि किस तरह से सेल जो है सर्किट में वर्क करता है। याद रखेंगे ये रजिस्टर जो है उसको लोड कहा जाता है, ये स्विच है, और ये हमारा सेल है, और ये कनेक्टिंग वायर होता है, ये कनेक्टिंग, ये सब जो दिख रहा है ये कनेक्टिंग वायर होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सेल क्या होता है, सर्किट एलिमेंट, क्या, सर्किट एलिमेंट व्हिच मेंटेन पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि ये कंसेप्ट जो है सिर्फ ईआईपी नहीं, ट्वेल्थ में भी आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा। इतनी क्लियर, इतनी आसान शब्दों में, आसान वर्ड इजी वर्ड में किसी बुक में नहीं मिलेगा। आप जब 10 बुक पढ़ोगे, कम से कम 100 लोगों का व्यू सुनोगे, देन आपको एक जो है कंक्लूजन मिलेगा कि हाँ इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाए। ओके, सो याद रखेंगे सेल क्या करता है, चार्ज को एनर्जाइज करता है, उसी एनर्जी को चार्ज लोड को प्रोवाइड करता है, एंड लोड जो है उस एनर्जी को कंज्यूम करके जो आपका रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको प्रोवाइड डिलीवर करता है। ओके, ठीक है, सो इसको हम समझ गए। सेल का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, जो कि लिखा हुआ सर्किट एलिमेंट विच मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। दूसरा, सेल नहीं होगा तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। दूसरा क्या है, सेल अशोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी इन सर्किट कह सकते हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट। सोर्स ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, और दूसरा क्या है, और क्या बोल सकते हैं इसको, डिवाइस विच एनर्जाइजेस चार्ज इन सर्किट। सो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। ओके, सो एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ये क्या है, हमारा सिंपल सा सर्किट है जिसमें ये लोड है जिसको रेजिस्टर बोलेंगे, ये रेजिस्टेंस आप समझिए, ये स्विच होता है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को सर्किट को कंप्लीट और ओपन करने के लिए, क्लोज और ओपन करने के लिए। ये जो है सेल है, तो इतना हम समझ गए। तो एक बार फिर से रिकॉल कर ले बच्चे, आपको ट्वेल्थ में भी इससे ज़्यादा सेल के डिफिनेशन के लेवल पे इससे ज़्यादा आपको कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा याद रखेंगे, डिवाइस विच एनर्जाइजेस द चार्ज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज सेल। ओके, और सेल से हम लोग सब कोई एक्वेंटेड है, खिलौने में यूज करते हैं, आजकल सबके पास सेलफोन होगा, ये लेक्चर भी आप लोग सेलफोन टैब या कहीं कंप्यूटर पे इस तरह से देखोगे। ओके, तो सब जगह सेलफोन बैटरी का यूज होता है। सो इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। अब नाउ बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है, बैटरी। सो बैटरी में मुझे स्पेलिंग नहीं पता है, देख लो यहाँ पे। सो बैटरी में क्या, बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है, तो जनरली हम लोग जो है सेल जो है छोटे, मतलब कि रिमोट में हम यूज करते हैं, दो सेल यूज करते हैं 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट। लेकिन जो बड़ा डिवाइस होता है इलेक्ट्रिकल, जैसे व्हीकल हो गया, तो उसमें बड़ी हम बैटरी का यूज करते हैं। तो बैटरी और सेल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल। बैटरी में क्या होगा, बहुत सारा सेल ग्रुप में होगा। ओके, सो जनरली सेल जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने वाला छोटा सा यूनिट होता है, और उसी को एक साथ कनेक्ट करके हमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, तो हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं सीरीज में, और वो क्या है, बैटरी के फॉर्म में आता है जनरली। ओके, जहाँ पे हाई वोल्टेज चाहिए होता है, ज़्यादा पावर चाहिए, आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए सर्किट में,
तो हम बैटरी यूज करेंगे, छोटी कम एनर्जी चाहिए तो एक सेल से भी काम चल जाएगा। ओके, सो बैटरी और सेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बैटरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। ओके, ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। सो ग्रुपिंग ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। यहां तक समझ गए? अब याद रखेंगे सेल का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है। दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक का स्मॉलर होता है और एक बीगर होता है। ओके, सो जो बीगर वाला लाइन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करेगा। बीगर वाला जो प्लेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करेगा, एंड स्मॉलर प्लेट जो है, स्मॉलर लाइन है, वो जो है निगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो याद रखेंगे जब भी होता है पॉजिटिव निगेटिव करने का मतलब ज्यादा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव नहीं होगा। बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है और ये बताता है कि ये जो होगा बड़ी वाली लाइन हमेशा छोटी वाली लाइन से ज्यादा पोटेंशियल पे होगा। ओके, उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं बेसिकली, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। 12th में क्वेश्चन आएगा एक, तो हम उसमें बताएंगे बाद में, अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। बस यहाँ पे इतना याद रखना है, इसमें ऐसा नहीं कि इसका जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव ही होगा और इसका जो पोटेंशियल होगा निगेटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाद में हम इस बात पे चर्चा करेंगे। इसका मतलब ये सिंपली पॉजिटिव करने का मतलब इसका पोटेंशियल जो होगा इसके पोटेंशियल से क्या होगा, ज्यादा होगा। बिगर जो प्लेट है, बिगर रिप्रेजेंटेशन है, बिगर लाइन से जो जिस प्लेट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे या जिस टर्मिनल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसका जो पोटेंशियल है वो स्मॉलर लाइन के पोटेंशियल से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बस ध्यान रखेंगे। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, ये सिंगल सेल है। और बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी में आप बहुत सारा सेल जो है अटैच कर देते हो पैरेलली या फिर सीरीज में। ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होता है तो हम सेल को सीरीज में करते हैं, और सेल का पोटेंशियल ज्यादा है और कम पोटेंशियल वाला चाहिए होता है डिवाइस बैटरी तो हम उसको पैरेलली करते हैं। ओके, सो ये हमारा देखो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके हम बहुत सारा बैटरी को, बहुत सारा सेल को ग्रुप में अटैच करके हम क्या कर सकते हैं, बैटरी बना सकते हैं। ये क्या है, बैटरी हो गया ये आपका। अब बैटरी में देखोगे तो सीरीज में कनेक्टेड होता है टर्मिनल्स एक दूसरे से, चार पांच कॉलम होते हैं उसमें, सब सीरीज में कनेक्टेड होता है। ओके, सो यहाँ समझ गए बच्चे, होपफुली आप समझ गए होंगे सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, सेल का रिप्रेजेंटेशन ये है और ग्रुप ऑफ सेल आप यूज करोगे तो उसको आप बैटरी भी बोल सकते हैं। ओके, सो सेल का काम क्या होता है, चार्ज को एनर्जाइज करना, उसी एनर्जी को लोड जो है कंज्यूम करके आपके जो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको डिलीवर करता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे रहने देते हैं। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस पे आएंगे। ओके, सो ये बैटरी हो गया, बैटरी हम समझ गए हम लोग। ना हम बात करेंगे रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस आप लोग पहले ही ओम्स लॉ में आप लोग शायद समझ रखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण क्या होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा। ओके, रेजिस्टेंस पहले भी हमने मेंशन किया था क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ
कंडक्टर तो जनरली नहीं बोलेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी या फिर किसी भी सब्सटा मटेरियल की बात करेंगे तो जनरली उसमें रेजिस्टेंस ने रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ओके सो याद कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ही समझें यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू हिच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है, जिसके कारण क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा, और फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होता है, चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूट करंट। तो चार्ज को बढ़ने से, चार्ज को मूव करने से जो रोकेगा उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, और इट अपोजिस द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट, इसको याद रखेंगे। सो बेसिकली ओम्स लॉ आपने पढ़ा था, ओम्स लॉ आपने पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर। ओके, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, आपको याद रखना पड़ेगा इसे। अब अगर R की बात करेंगे तो क्या होगा, V बाय I। सो अगर किसी कंडक्टर से मान लो कि करंट आप फ्लो करा रहे हो क्या 5 एम्पियर, और उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस है 25 वोल्ट, देन रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम। ऐसा यूनिट मैंने पहले ही मेंशन कर रखा था कि ऐसा यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये क्या होता है हमारा, ओम। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये होता है ओम, या फिर इसको ग्रीक लेटर ओमेगा भी पढ़ते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन हम इस केस में ओम पढ़ेंगे, OHM। ओके सो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस याद रखेंगे क्या होता है, ओम होता है, सिंबल क्या होता है, ये ओमेगा होता है। ओके अब R इक्वल टू वी आई, तो अगर आपसे कोई पूछता है क्या रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर पे डिपेंड करता है, क्या बोलेंगे आप, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ डिपेंड करता है जी। अगर आप किसी से पूछा क्या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर पे डिपेंड करता है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हाँ पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन सुन लें ये गलत होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इस पॉइंट को नोटिस करेंगे सब लोग, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं वी ओवर आई, बट ये याद रखेंगे रेजिस्टेंस नीदर वी पे डिपेंड करेगा नॉर आई पे डिपेंड करेगा। ओके सो रेजिस्टेंस नीदर डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस नॉर ऑन करेंट, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। रेजिस्टेंस नीदर डिपेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन पोटेंशियल डिफरेंस नॉर ऑन करंट। Through conductor, ये याद रखेंगे। ये क्या है रेजिस्टेंस, कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, उसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस और उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको अगर हमें
हमें दिया गया है, गिवेन है, तो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट पे डिपेंड नहीं करेगा. ओके, सो रेजिस्टेंस नीदर डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस नॉर ऑन करंट थ्रू कंडक्टर. ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन कभी कभी आप क्विज में जाते हो तो पूछ सकता है. ओके, सो इसको हम याद रखेंगे. तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा जी? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है तो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करेगा और कंडक्टर के ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. ओके, सो याद रखेंगे. नाउ फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस. ओके, सो इसको फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस. फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस. सो इसमें देखो फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस में क्या होगा, कौन कौन सा फैक्टर है यहीं पे याद रखेंगे. पहला क्या, कंडक्टर का ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन. ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब जैसे अगर ये कंडक्टर है तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसका लेंथ होता है. ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसका ये लेंथ है, तो लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है. और इस जिस ये जो है जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा. तो तीन फैक्टर हो गए. एंड चौथा जो होता है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और सेमीकंडक्टर का जो है घट जाता है, वो बाद में बात करेंगे. जैसे मान लो कि यही कंडक्टर है, सो अगर इसके क्रॉस, इस दो टर्मिनल के क्रॉस अगर हम मान लो कि सेम कंडक्टर में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिए, कनेक्शन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिए, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा. मान लेते हैं कि ये कॉपर का इसी शेप का बना हुआ है, अब इस दो टर्मिनल के क्रॉस अगर हम बैटरी कनेक्ट किए तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा, और इस दो टर्मिनल को इस तरह से हमने कनेक्ट किया तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस कुछ और होगा, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. ओके, ठीक है बच्चे. सो इसको आप याद रखेंगे. फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पहला, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर. लेंथ ऑफ कंडक्टर किस तरह से डिपेंड करता है याद रखेंगे. रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एल. ओके, एल क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर. दूसरा, रेजिस्टेंस resistance depends on cross sectional area of conductor. और किस तरह से डिपेंड करता है, इस तरह से रेजिस्टेंस इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर. ए क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर. तीसरा फैक्टर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर.
नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. याद रखेंगे जनरली ये जो होता है रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, इसको पढ़ेंगे हम लोग आर एच ओ. रो पढ़ते हैं बच्चे, याद रखेंगे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो. ओके, एंड रो क्या होता है? सो ये तीन फैक्टर हो गया, और ये वाला जो होता है नेचर ऑफ मटेरियल की बात करते हैं वो होता है रेजिस्टिविटी. वो होता है आपको रेजिस्टिविटी, ये याद रखेंगे. आगे नीचे अगर नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख लेते हैं इसे. सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ये याद रखेंगे. तीसरे स्टेटमेंट को ही ऊपर एक बार रिपीट कर देते हैं आपको. तीसरा जो था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, इसको हम बेसिकली रेजिस्टिविटी समझते हैं. रेजिस्टिविटी पे भी डिस्कशन करेंगे इसके बाद. लेकिन सो ये रो जो होता है रेजिस्टिविटी होता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, इसको रो पढ़ते हैं याद रखेंगे. नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर एक प्रॉपर्टी होता है. नेचर की बात करें या फिर प्रॉपर्टी की बात करें, ओके. प्रॉपर्टी नेचर से ज़्यादा सुटेबल वर्ड है. प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. अब यहीं पे दो पॉइंट हो जाता है याद रखें. कहीं कहीं पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, आपकी बुक में भी होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. ओके, सो रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है. याद रखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है. और रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टर के मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है. याद रखोगे इसी अंदाज में, रेजिस्टेंस कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है और रेजिस्टिविटी जो होगा कंडक्टर के मटेरियल का प्रॉपर्टी होगा. आप इसी अंदाज में याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे. अगर मान लो ये दो, मान लो कि दो अलग अलग कंडक्टर है, ये गोल्ड का है ये सिल्वर का है. ओके, ये गोल्ड का है और ये सिल्वर का है. या फिर मान लो कि ये गोल्ड का है ये सिल्वर का है, सब कुछ सेम है. ये गोल्ड का है और ये सिल्वर का है, सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल है. तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा अलग अलग होगा. अगर मान लो दोनों गोल्ड का होता तो दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल होता, दोनों सिल्वर का होता तो दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल होता. समझ गए? अगर मान लो कि ये गोल्ड का है और ये सिल्वर का है तो अलग अलग मटेरियल का है तो रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा और अलग अलग रेजिस्टेंस हो जाएगा दोनों का, याद रखेंगे. और अगर मान लेते हैं कि ये भी मान ले ये भी गोल्ड का है और ये भी गोल्ड का है, ये भी गोल्ड का है ये भी गोल्ड का है, तो इसका ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कुछ और है, इसका ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कुछ और है. दोनों गोल्ड का ही है बट दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा. दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा. बट दोनों में रेजिस्टिविटी क्या होगा, दोनों गोल्ड का ही है तो दोनों का रेजिस्टिविटी इक्वल होगा, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम ही होगा. ये जो है ये भी गोल्ड का है ये भी गोल्ड का है, दोनों का मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा. बट ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा. एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. दो आइडेंटिकल है, दो आइडेंटिकल भी अगर मान लो कि कंडक्टर है लेकिन मटेरियल डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि मटेरियल डिफरेंट है. बट मान लो कि दो डिफरेंट मान लो कि ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का क्या है, दो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का कंडक्टर है, दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट है, दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट है बट दोनों सेम मटेरियल का है
तो दोनों में रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम ही होगा। ओके, सो इस तरह से याद रखेंगे। इसीलिए मैंने बोला क्या रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है और रेजिस्टिविटी कंडक्टर के मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है टेंथ में, याद रखेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो इसको आप याद रखोगे। ठीक है, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एंड रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टिविटी रो क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे हम लोग। चौथा फैक्टर हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। चौथा फैक्टर जो होता है रेजिस्टेंस डिपेंड्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, इसको आप फिजिकल कंडीशन भी समझ सकते हो। याद रखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज। और एक सेमी कंडक्टर होता है वो बाद में पढ़ना होता है, ट्वेल्थ में ही पढ़ना है, टेंथ में नहीं पढ़ना है। उसका जो है रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। क्यों करता है उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज, उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे आपके क्लास के लेवल पे सिर्फ कंडक्टर के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे, बाद में फिर सेमी कंडक्टर अगर टाइम बचा तो पढ़ाएंगे। सो इसको रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और इसके साथ याद रखेंगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज। ओके, सो ये चार फैक्टर याद रखेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और रेजिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर जो है इफेक्ट करता है। तो इसको होपफुली हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से समझ लिए होंगे। और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। सो होपफुली इस लेक्चर को अच्छे से एक बार कर लेंगे। बहुत ही थ्योरेटिकल, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और हम जो एक दो कंसेप्ट जो है आपको एक्स्ट्रा ही बताते हैं जो आपके एनसीईआरटी या किसी भी बुक में टेंथ के स्टैंडर्ड पे है, उससे ज़्यादा ही बता देते हैं, जो कि आपको ट्वेल्थ में जाने के बाद यूज़ में उसका आएगा ही आएगा, उस कंसेप्ट का यूज आएगा ही। ओके, सो इसलिए मैं यहीं पर पहले आपको बता देता हूँ। सो आप लोग अच्छे से, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से उसको ऑब्जर्व करोगे और उसको गेन करोगे। चलिए ठीक है, सो आज का यहीं पे रहने देते हैं इस टॉपिक, इस वीडियो में। अब आगे हम आएंगे तो डिस्कस करेंगे इस फैक्टर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, दो तीन न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग डिस्कशन होगा। ओके, सो थैंक यू बच्चों, होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सभी हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराइए। चलिए, थैंक यू।